अरे सब ये आप लोगों को जो भी प्रस्ताव था उसका हमने चर्चा कर ली है उस पर। आपके प्रस्ताव को लगा के हमने गवर्नमेंट को भी सर भिजवा रहा हूँ, पहले ही भेज चुके थे, अभी फिर भिजवा रहे हैं। और जैसे ही गवर्नमेंट से जैसे दिशा निर्देश प्राप्त हुए उसके पश्चात ही एग्जाम कराया, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो। हमारा प्रस्ताव जो था ज्ञापन था दे दिया, उसकी नोटशीट बन गई है, वो शासन को भेजा जा रहा है। जब तक शासन से आदेश नहीं आएगा तब तक ना प्रैक्टिकल होंगे और ना थ्योरी होगी, तो एग्जाम डेट की चिंता ना करें। कैंसिलेशन का ऑर्डर बन गया ना। एक बार सर ने बोल दिया कि आप लोगों का प्रस्ताव जो हमने और आपने मिलकर दिया है वो प्रस्ताव शासन को भेज दिया जा रहा है। और जैसे वो दिशा निर्देश शासन से प्राप्त, देखिए अभी कोविड के समय में सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का है, हम गवर्नमेंट के आदेश के बाहर नहीं जा सकते, ये आपको बता दें, बार बार कह रहे हैं। पिछली बार भी गवर्नमेंट ने जैसा कहा जो डेट कहीं उन्हीं डेट्स पे हमने एग्जाम कराए, हम उनके दिशा निर्देश के ऐसा नहीं कि वॉयकॉट कर दें, उनको हम पालन ना करें। जैसे ही दिशा निर्देश प्राप्त होंगे हम उसी के अनुसार काम करेंगे और उससे बाहर नहीं जाएंगे। सर गवर्नमेंट को लेके ऑफलाइन एग्जाम रुक जा, जब तक एग्जाम्स नहीं होंगे ठीक है ना, कोई डेट आएगी खुश हो, अभी डेट सुनो जो डेट आ गई उसको छोड़ो, जब तक एग्जाम्स नहीं होंगे ये सर लोगों ने बोल दिया है। ठीक है, लेकिन एग्जाम तो ऑनलाइन ही चाहते हैं। अरे मेरी बात, ऑनलाइन एग्जाम के लिए तो भेजा है, सीएम डिसाइड करेंगे। वीसी 4 तारीख को कॉलेज आएंगे, 4 तारीख को, ठीक है, 3 तारीख छुट्टी है, 4 को कॉलेज आएंगे, उसके बाद 4 तारीख को सर लोग मीटिंग करेंगे, नए जो पीएस हैं, जो है ना जो पीएस है उनको प्रस्ताव भेजेंगे, वो बैठकर बात करेंगे, मीटिंग्स होगी, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा। जहाँ तक हम दबाव बनाएंगे सब, आप लोग सब मिलकर, अपन सब मिलकर उन पर दबाव बनाएंगे कि सर ऑनलाइन कराया जाए, ठीक है। शायद तब तक जो नया वेरियंट आया है तब तक ऐसा हो कि शायद अब स्थिति खराब हो जाए, क्योंकि सरकार तो कुछ होता नहीं है।